अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सोना विजन क्लब। उम्मीद करता हूँ सब भाई ठीक ठाक खैर खरियत से होंगे। ले जी माशाल्लाह चेक करें, अब हमारे कबूतर जी इधर उधर बैठना शुरू हो गए हैं, ये देखें माशाल्लाह ठीक है। आज जी इनका जो है ना नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप क्या है जी वो भी आपको भी बताते हैं। तो जो भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं और चैनल पर न्यू है, तो यार आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। और ये मेरे हाथ में जी एक कबूतर है, इसकी ना पोट बंद हो गई है जी ठीक है, और ये मैंने पकड़ा हुआ है इसको हाथ में, और इसके अंदर से ना पोर्ट बंद होने की वजह से ना ये बहुत अजीब सी आवाज़ें निकाल रहे हैं। मे बी मेरे मोबाइल में मेरे कैमरे में वो चीज़ें ना आ रही हों जो मैं दिखाना चाहता हूँ। इसकी जी पोर्ट बंद हो गई है, और बहुत ही ज़्यादा सख्त किस्म की पोर्ट बंद हो गई है ठीक है। इसका जी हल यही है कि इसको हम पलटाएँगे जैसे वो टैडी मादी को पलटाया था, लेकिन इसके मसले में और उस टैडी पट्टी के मसले में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो टैडी पट्टी का मैंने इलाज किया था वो आगे देखें, वो दाना खा रही है, वो केज के बाहर वो देखें मुंह मार रही है ज़मीन पे, तो देखें वो आपके सामने है, बिल्कुल हेल्दी एंड एक्टिव है। अच्छा इसको पलटाना है मैंने, इस कबूतर को। असल में ना बात पता क्या होती है, जैसे ही कोई मर्ज़ हो ना उसका इलाज उस हिसाब से होता है। ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा सब भाई। अक्सर भाई मुझे कहते हैं कि सोना भाई उसकी भी पोर्ट बंद थी तो दूसरे की भी पोर्ट बंद हुई है। ये देखें दाना खाएंगे भी, ये देखें ऐसे अपना रौनक मेला लग गया। तो अक्सर भाई मुझे कहते हैं कि सोना भाई उनकी भी पोर्ट बंद थी तो वो दूसरे की भी पोर्ट बंद है, तो इलाज तो हमने सेम किया यार, ऐसे नहीं होता। असल में ना कंडीशन बड़ी डिपेंड करती है, हमने कंडीशन देखनी होती है। अब जो वो टैडी पट्टी थी ना उसको गले में रेशा था थोड़ा सा, उस वजह से वो ना अंदर से एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, तो दाने को भी मुंह नहीं मार रही थी, सारी बात है उसको गले में तकलीफ़ हो रही होगी ठीक है। तो उसको हमने पलटाया, उसका रेशा वगैरह साफ़ किया या जो भी, लेकिन उसको कोई अल्लाह जानता है मेडिसिन मैंने नहीं दी क्योंकि मुझे ऐसी नौबत ही नहीं आई। हाँ एक दिन मैंने उसको प्यासा रखा, क्यों अंदर से सारी उसकी नालियाँ जो थी ना, जो भी ये गौर से सुनने वाली बात है गौर से सुनिएगा, उसकी पोर्ट बंद थी, पोर्ट बंद की वजह उसके गले में रेशा था, रेशा उसकी जब वो जैसे हम इंसान है थूक अंदर लेके जाते हैं तो वो कहाँ जाता है, हमारे पेट में जाता है, वैसे ही इनका जो पोर्ट वाला हिस्सा है ना आगे वाला वो इनका पेट है ठीक है। तो वो जो मादी थी ना वो रेशे की वजह से ना वो जब भी रेशा अंदर लेके जाती थी तो वो उसके पोर्ट में जाके जम जाता था, उस वजह से ना वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही थी और इस तरह करती थी और सांप की तरह खड़ी हो जाती थी, ये मसला था। उसको जी पलटाया, पलटाने के बाद उसको एक दिन का नागा दिया, दाने पानी का कुछ नहीं होता, बीमारी की हालत में थी। जो मैंने ट्रीटमेंट करना था ना उससे उसने ऐसे ही ठीक होना था, क्योंकि हर बंदे का एक अपना अपना नॉलेज होता है। तो उसका ट्रीटमेंट किया जी, उसको एक दिन भूखा प्यासा रखा है, वो अंदर से सारी खुशक हो गई है। उसके बाद उसको जी हल्की सी पानी की सिप लगवाई है उससे नेक्स्ट डे में ठीक है, मतलब एक दिन के नागे के बाद उसको हल्की सी पानी की सिप लगवाई है। सिप लगवाने के बाद उसके आगे दाना फेंका है तो वो दाने को माशाल्लाह ऐसे पड़ी है, पता नहीं सदियों की भूखी थी, ये तरीका था। क्योंकि अंदर से सारी नालियाँ उसकी गीली थी, उसका दिल नहीं कर रहा था कुछ भी जो है ना खाने पीने को, पहली बात ये हो गई। और दूसरी बात सुने, अब ये जो मेरे हाथ में कबूतर है ना इसकी पोट बंद है, ये दाना हजम नहीं कर रहा है, ये दाना तो उठाता है लेकिन दाना हजम नहीं करता, पोट फुला लेता है और पानी बहुत ज़्यादा पी के ऐसे ये भी कर रहा है ठीक है। और अब देखें इसके अंदर से घूंघू की आवाज़ें आ रही हैं और इसका मुंह खोल के स्मेल किया। जिस कबूतर का पोट बंद होगा ना तो मेरे सब भाइयों ने उसके सबसे पहला जो प्रोसीजर यही है कि उसका मुंह खोलें, मुंह खोल के आप उसकी स्मेल करें। अब मेरे एक हाथ में मोबाइल है, मैं कैसे करूं, तो वरना मैंने इससे पहले ऐसे ही किया। तो स्मेल करें, स्मेल करके आप देखें उसकी पोट की रीज़न क्या है, उस लिहाजा अगर उसके मुंह से स्मेल नहीं आएगी तो मसला कुछ और होगा। क्योंकि ये यहाँ पे बहुत सारी वेंस होती हैं, उस वजह से ना अब हमें नहीं समय लगती, लेकिन जब समय लगती तब देर हो जाती है। तो बाकी इसको छोड़ के दिखाऊँ ज़रा, देखें ये देखें ये इसकी कंडीशन है। अब ये दिल इसका कर रहा है, ये देखें इसका दिल कर रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ कि मैं अंदर जाऊँ, ये देखें क्या कर रहा है आपके सामने है, ये लें वही सांप बन रहा है ठीक है। मैं ज़रा उधर होके दिखाता हूँ आपको, सांप बन रहा है जी पूरा, चेक करें ब्लैक कोबरा बन रहा है। अल्लाह उन देखो जी, अब इसका दिल कर रहा है, ये देखो वाइब्रेशन कर रहा है, इसको तकलीफ़ हो रही है, इसको भी पलटाते हैं जी। मैं सिरिंज वगैरह ले आए वो छत के ऊपर ठीक है, ये देख रहे हैं इसकी कंडीशन आप। तो ये मसला मसाइल चल रहा है इसके साथ, इसका अब दिल पता क्या कर रहा है कि मैं किसी भी तरीके ना केज के अंदर चला जाऊं ठीक है। केज के अंदर ये इसको जाने नहीं देना अभी, क्योंकि इसकी अभी मैंने पोर्ट पलटानी है, तो केज के अंदर इसने जाके क्या करना है।
ये देखें बाकी रौनक मेला लग गया जी। ये एक तो हमारे पास, ये देखें खुद ही आ जाएगी इधर, ये देखें इसको पता चल गया कि छत के ऊपर किधर इधर उधर जो है ना मस्तियाँ करनी है, और ये मस्तियाँ ही कर रही है, इसको करने देते हैं। अभी मैं कबूतर पकड़ता हूँ। अच्छा मैं बताने लगा था आपको, जब हम कबूतर का मुंह खोल के अंदर से स्मेल करेंगे ना तो अंदर से गंदी बदबू आएगी, जब वो बदबू आएगी तो समझ लेना उसकी पोट का मसला है। उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है हम इसको पलटाएंगे, ठीक है, वही 40 cc पानी देंगे। जैसे मेरे पास ये 20 cc का ड्रॉपर है, ये पड़ा हुआ है, ये गए देख लें आप, मेरे पास जो ड्रॉपर है ना वो 20 cc का है, मेरे पास इससे बड़ा ड्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो जारी बात है। और दूसरी चीज़ यार एक बड़ी मज़े की और नॉलेज वाली टिप है, मैं अपने सब भाइयों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आजकल जो है ना रातें बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई हैं, ठंडी होने की वजह से ना केज के अंदर पानी ना रखें। सुबह होती है कबूतर सुस्ती के मारे हुए होते हैं, होता यह है कि यार हम तो छत पे आते हैं, जब दिन चढ़ जाता है और दिन चढ़े को भी 1.5-2 घंटे गुजर जाते हैं या घंटा गुजर जाता है, वल्ला जो भी, क्योंकि आजकल तो छत पे भी नहीं सोया जाता, रात को सर्दी लगती है, अल्लाह पाक की ऐसी रहमत है, ठीक है, केज में पानी ना रखें। शाम को कबूतरों को पानी पिलाएँ तो कोशिश करें मगरिब से भी 1 घंटा पहले पिला लें। मैंने कल बड़ा लेट पानी पिलाया इनको, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो मेरे दोस्त आए हुए थे, भाई हैं उमर भाई, वो आए हुए थे मेरे पास, इंशाल्लाह उनकी वीडियो भी मैं लगाऊंगा। और दोस्तों के लिए उस वीडियो में बड़ी प्यारी ऑफ़र भी है, 5000 की ऑफ़र है, 5000 जीतने का मौका है उस वीडियो में, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह वो भी अपलोड करेंगे। और सेकेंड ये देखें ना कैसे कर रहा है, ये देखें, अब दसो बंदा थे की करे, इसकी कंडीशन देखें आप, उसको फुल तकलीफ़ हो रही है। तो मैं जल्दी से अपने दोस्तों को बता दूं हमने करना क्या है। इसको जी फ़ौरन के तौर पे सबसे पहले हमने पलटाना है, पलटाने के बाद जी इसको हम तकरीबन आधा दिन, क्योंकि इसके पोट का मसला है, इसको मेडिसिन देनी पड़ेगी, आधा दिन जी इसको भूखा और प्यासा रखेंगे, ताकि ये अंदर से ना फोर सारा कुछ जो है ना अंदर से खुशक कर ले। क्यों इसको लहजा केज में बंद करूँगा, अगर केज में नहीं भी करूँगा तो इधर कर दूँगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो मेडिसिन है वो आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं एक बात बताऊँ, जो भाई फौरी तौर पे पलटाने के बाद मेडिसिन दे देते हैं ना कबूतरों को, ना दिया करें, थोड़ा सा वेट किया करें, और खाली पेट तो मेडिसिन बिल्कुल ना दिया करें। बहुत ज़्यादा भाइयों के कबूतर लकवे झोले का शिकार हो जाते हैं या एक्सपायर हो जाते हैं, उसकी रीज़न भी बताता हूँ। होता क्या, फौरी पलटाते हैं, एक तो पलटाने से कबूतर की जान निकल जाती है, अंदर से सफाई करनी पड़ती है, सारी बात है, तो कई भाई तो 2-3 दफ़ा पलटा देते हैं जब उनकी वो मुतमिन नहीं होते सफाई से, लेकिन एक दफ़ा ही पलटाया हो तो वही काफ़ी होते हैं, पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़, फौरी तौर पे मेडिसिन ना दिया करें, कबूतर अंदर से खाली होता है, मेडिसिन उसके ऊपर असर करती है, किसी ना किसी चीज़ को अंदर से डैमेज कर देती है। ये बड़ी नॉलेज वाली बातें हैं, ये याद रखनी है मेरे भाइयों ने, और इसको पिक करना है, ठीक है, इंशाल्लाह आपका फ़ायदा होगा। यार मैं हमेशा वही बात शेयर करता हूँ जो मैंने खुद आजमाई होती है, जब भी कबूतर को पलटाएं खास तौर पे, और जो भी दुनिया की मेडिसिन देनी है कबूतर को, खाली पेट नहीं आपने देनी है। डॉक्टर भी आपको कहता है कि इंसान को, कितना बड़ा इंसान होता है, बड़ी चीज़ें बर्दाश्त करता है, तो इनको भी हमें डॉक्टर क्या कहता है, यार खाली पेट नहीं लेनी, कोई नरम गज़ा खा ली, बात फॉलो करने वाली है, ठीक है। इसी तरह हमने भी ना पलटाने के बाद ना इसको आधा दिन भूखा प्यासा रखना है, ताकि इसके अंदर से जो भी चिपचिपा पान है ना, जो भी पानी है, नमी है, वो सारी खुशक हो जाए। जब वो खुशक हो जाएगी ना, तो उसके बाद ही मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा, अब हमने इसको मेडिसिन कौन सी देनी है। अगर ये दाना खाएगा तो ठीक है, अगर ये दाना नहीं खाएगा, बस इसको पेट भर के पानी नहीं पीने देना, पानी की सिप लगवानी है बस, कि प्यासा भी ना रहे और इसका काम भी हो जाए। तो दाना ये खाएगा तो ठीक है, नहीं खाएगा तो नरम दाना इसको अपने हाथों से हम खिलाएंगे, ठीक है। दलिया शलिया नहीं देना, किसी किस्म का सीरीलैक नहीं देना, क्योंकि वो जम जाता है, वो लिक्विड है, वो जम जाना फौरी, ठीक है। बाजरा दे सकते हैं हम, वो जल्दी हजम हो जाता है, कोई 2-4-5 दाने गंदम के दे दें। मकई बिल्कुल नहीं देनी, मकई बिल्कुल भी नहीं देनी आजकल के मौसम में, तो बिल्कुल मकई नहीं देनी, ठीक है। वो खिला के जो भी सूट करता है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूँगा, अगर देखते हैं शाम तक बेहतर होता है कि, फिर जो मेडिसिन होगी वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा, तब करूँगा। तो ये जी वीडियो थी, तो जिन भाइयों को अच्छी लगी है, चैनल पर न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें। आज ही इनमें से 8-10 पीसों को मैं ना अंदर से ना बाहर के 4-4 पार छोड़ के अंदर से 3-3 पार इनके ना टेप करने लगो, बाहर के पार खोलने लगो। अब ये ना ऊपर नीचे हों, बाकी ये देखें जी किसी का कबूतर है, ये देखेंगे सुबह सुबह कबूतर आए हैं किसी के, ये देखें ये जा रहे हैं। बाकी अपने तो चिड़ी मारी वाला सिस्टम नहीं है, शुगल मेले वाला सिस्टम है। 5 बच्चे हो गए हैं माशाल्लाह, 2 नीचे हैं, 7 और मजीद पाल रहे हैं। बच्चे मैंने घर के छोड़ने हैं, या मेरे किसी से अच्छे मिलते होंगे तो मैंने वो छोड़ने हैं। छोड़ने मैंने अपनी मर्जी के, मैंने लगड़ बगड़ झगड़ नहीं छोड़ने, वो खुद छोड़े हैं लगड़ बगड़ 8-10 पीस। वो क्यों छोड़े हैं,
कुछ होने भी चाहिए रौनक मेले के लिए, तो उनको हम खोल कर चले जाया करेंगे, वो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं उनको हम जी बंद करके जाया करेंगे, जब छत पे होंगे तभी खोलेंगे कि इधर उधर ना हो जाए। तो ये वीडियो थी। जो भाई चैनल पर न्यू है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और जो भाई मुझे पेज पर देख रहे हैं फेसबुक पेज के ऊपर, तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है मेरे पेज को लाजमी फॉलो कर लें सोना पिजन क्लब लाहौर को, और लाइक भी कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।